मिथुन राशि वालों, आज मैं आपके लिए अद्भुत एवं अकल्पनीय जानकारी लेकर आ रहा हूँ। जी हाँ, हमें मालूम है कि शनि की दशा काफी खतरनाक होती है और जिनकी कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में होकर विराजमान होते हैं, उन्हें शनि की साढ़े साथी के दौरान काफी कष्टों का सामना करना पड़ता है और मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है। और आपको बता दें कि 12 राशियों में से कुछ राशियां ऐसी है जिन पर ना तो शनि की डैया चल रही है और ना ही शनि की साढ़े साथी चल रही है, किंतु आपकी राशि यानी कि मिथुन राशि पर पिछले काफी समय से शनि की डैया चल रही है। शनि साढ़े साथी के चलते आपको जीवन में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक आपके हर कार्य बनते हुए बिगड़ने लगे हैं। पारिवारिक जीवन में समस्या, पति पत्नी के बीच में तनाव, व्यापार में नुकसान, डिग्री होने के बावजूद भी नौकरी ना मिलना, पैसा फंस जाना, बिजनेस में प्रगति नहीं होना, इच्छित स्थान परिवर्तन नहीं मिलना, शारीरिक समस्याओं के साथ मानसिक तनाव से गुजरना पड़ रहा है। तो मिथुन राशि वालों, यहाँ पर एक ऐसी जानकारी आपको दे रहा हूँ जिनके चलते आपके जीवन में चल रही शनि की साढ़े साथी का असर खत्म होगा, यानी कि अब शनि की साढ़े साथी से मुक्ति मिलने वाली है। मिथुन राशि वालों, आप जानते ही होगी कि 10 जून 2021 को न्याय की देवता कलयुग के न्यायाधीश, दंडाधिकारी एवं देव से लेकर दानव तक जिनकी दृष्टि से भयभीत रहते हैं, ऐसे यमराज के भ्राता शनिदेव की जन्म जयंती ज्येष्ठ अमावस्या को मनाई जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि उस दिन पर पुण्य कर्म करते हैं, सच्चे दिल से प्रार्थना एवं पूजा करते हैं, तो शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न होकर न केवल आशीर्वाद प्रदान करते हैं, किंतु शनिदेव आपको वह भी सब भी दे देते हैं जो आपके भाग्य में तक नहीं होता। मिथुन राशि वालों, साथ में इस महामारी के बीच में सूर्य ग्रहण की घटना भी घटित होने जा रही है। जी हाँ, इस समय 10 जून 2021 को साल का सबसे प्रथम सूर्य ग्रहण भी होने जा रहा है और यह सूर्य ग्रहण इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य एवं शनि का संबंध बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और वैसे भी शनि भगवान सूर्यदेव और माता छाया के पुत्र माने जाते हैं, इसलिए यह समय मिथुन राशि वालों आपके लिए महत्वपूर्ण अवसर लेकर आ रहा है। आपकी कुंडली में शनि ग्रह आयुष्य भवन एवं भाग्य भाव के लोड होकर अष्टम भाव में स्थित है, जिसके कारण ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव के आशीर्वाद के फलस्वरूप जीवन में जॉब, करियर, पद, पैसा, दाम्पत्य जीवन से संबंधित लाभ प्राप्त होते नजर आएंगे। जिन छात्रों को सुफल की प्राप्ति नहीं हो रही है, उन्हें फल मिलेगा, तो वह जीवन साथी के बीच में तालमेल की कमी नजर आ रही थी तो वह संबंध महत्वपूर्ण बनेंगे। कार्य क्षेत्र में परिश्रम करने के बावजूद भी यथोचित लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था तो लाभ मिलेगा, क्योंकि शनि महाराज आपके संघर्ष खत्म करेगा, आपके प्रभाव में वृद्धि होगी और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे, जिसके ही कारण जीवन में चल रहे संघर्ष को दूर कर पाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कार्य क्षेत्र में सहकर्मी एवं अधिकारियों का सहयोग मिलेगा तो वही शनिदेव उन लोगों को लाभ प्रदान करेगा जो दूर रहकर कार्य कर रहे हैं और अपने घर के पास जाकर कार्य करने का मौका ढूंढ रहे हैं, उन्हें मौका मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बेहतर रहेगा तो स्त्री मित्रों के कारण भी लाभ मिलेगा। दोस्तों, धन के मामले में हर फैसले आपके पक्ष में नजर आएंगे। यहाँ तक जो धन प्राप्ति के लिए पार्टनरशिप से कार्य कर रहे थे, उन्हें न केवल लाभ होगा किंतु नए अनुबंध बनेंगे, धन के नए स्रोत प्राप्त होंगे, जिनके कारण पैसा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर शनि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार से भी बड़ा लाभ प्राप्त करवाता है। विशेषकर शेयर बाजार, सट्टे, जुए, कसिनो आदि से भी अप्रत्याशित धन मिलेगा और कुछ अवसर ऐसे भी आएंगे जिन्हें आप हाथों हाथ लेकर उनका लाभ उठाने में सफल रहेंगे। दोस्तों, हम लिखकर दे सकते हैं कि आपको धन अपने काम और मुख्य व्यवसाय से मिलता रहेगा। इसके अतिरिक्त आमदनी के लिए आप स्वतंत्र या अतिरिक्त कार्य के प्रयास करेंगे और उनमें भी सफलता मिलेगी। तो निश्चित तौर पर शनि की कृपा से लक्ष्य प्रसिद्धि, सामाजिक हैसियत, पदोन्नति, सत्ता संघर्ष में विजय आपको पुरस्कार के रूप में मिलेंगे। तो धन का एक ऐसा स्रोत जो आपके पुराने लिए हुए कर्ज को चुकाने में मदद करेगा। यहाँ तक आपको नए अनुबंधों या समझौतों पर हस्ताक्षर करने का अवसर मिलेगा। बस इसके लिए शनि जयंती से आपको विशेष कार्य प्रारंभ करने रहेंगे जो मैं नीचे बता रहा हूँ। मिथुन राशि वालों, शनि जयंती के दिन तिल एवं तेल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दे और यह क्रम हर अमावस्या के दिन करे। शनि जयंती के दिन से आपको शोषित, पीड़ित एवं लाचार व्यक्तियों को परेशान नहीं करना है, असत्य का आचरण नहीं करना है और पीपल के पेड़ के पास जाकर दीप प्रज्वलित करना है जो हर अमावस्या पर जारी रखना है, ताकि शनिदेव आपके ऊपर पूर्ण प्रसन्न रहे। शनि जयंती से ही फिर या अन्य शनिवार के दिन काले घोड़े की नाल से बनी हुई अंगूठी आप अपने राइट हाथ में पहने, ताकि तुरंत ही शनि का दुष्प्रभाव खत्म हो। मिथुन राशि वालों, ऊपर दिए गए कार्य करने से न केवल शनि की साढ़े साथी का अंत होता है किंतु शनिदेव प्रसन्न होते हैं और कुंडली में यदि शनि कमजोर होते हैं तो वह बलि होकर आपकी कुंडली में शुभ फल देना प्रारंभ कर देते हैं। साथ में यदि आपकी कुंडली में कोई अशुभ ग्रह है तो उसके बारे में कुंडली विश्लेषण करके अवश्य जाने, ताकि आपको लाभ मिले और भाग्योदय हो। जय गुरुदेव।